हेलो दोस्तों, जिंदगी में हार का डर किसे नहीं लगता। आज हम जनरली अपनी गलतियों से बचने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे फंबल्स मिस्टेक्स के लिए हमें जज किया जाएगा। लेकिन हम कितना भी कॉशियस हों, हम सबके लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपके मोटिवेशन की बैटरी को फुल रिचार्ज करने के लिए आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हार को जीत में बदलने का हौसला देगी। एक कहानी जो ये बताएगी कि गलतियां जिंदगी नहीं बिगाड़ती, गलतियों के प्रति हमारा व्यू जिंदगी बिगाड़ता है। इमेजिन करो एक फुल हाउस स्टेडियम, जैसे इंडिया में क्रिकेट की दीवानगी है वैसे ही अमेरिका में फुटबॉल की, वो रग्बी वाली फुटबॉल। मिनिसोटा वाइकिंग्स के एक धुरंधर प्लेयर जिम मार्शल जब अक्टूबर 25, 1964 को सैन फ्रांसिस्को 49ers के अगेंस्ट खेलने उतरे तो शायद सोचना होगा कि इस मैच के बाद दुनिया उन्हें रॉन्ग वे मार्शल का निकनेम देने वाली है। फर्स्ट हाफ मैच शुरू, जिम मार्शल ने झपट्टा मारा और बूम, फुटबॉल हाथ में और दौड़ पड़े। स्टेडियम चीख पुकार दहाड़ से भर उठा। मगर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट था। जिम दौड़ तो रहे थे मगर रॉन्ग डायरेक्शन में, अपने ही गोल पोस्ट की तरफ। एक ही पल में सारी खुशी का शोर सन्नाटे में बदल जाता है। टीवी पर पूरा देश देख रहा है और जिम के लिए यह पल जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाला था। ऐसा हमारे साथ भी होता है, राइट? पर उसके बाद क्या हुआ? गलती तो हम सब करते हैं, मगर गलती से डील करना ही असली कैरेक्टर की पहचान है। हाफ टाइम में मार्शल ने अपने आप से कहा, गलती तो हो गई लेकिन इस गलती को ठीक करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अपने मिस्टेक पर मातम मनाने के बजाय मार्शल ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वह कोशिश करेंगे एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने की। सेकेंड हाफ में वह आग बनकर वापस ग्राउंड में उतरे और दोस्तों, जिम मार्शल ने ऐसा खेल दिखाया जैसे कोई बीस्ट हो और प्रूफ कर दिया कि बड़े से बड़ा फंबल भी आपके स्पिरिट को नहीं तोड़ सकता। और मजे की बात कि वाइकिंग्स ने वह मैच जीत भी लिया। गलती करना इंसानियत है, रिजेक्शंस पार्ट ऑफ लाइफ है, मिस्टेक्स इनएविटेबल है, पर उस पर जिंदगी रोकना पागलपन। इंडिया में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना, मनोज वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे। इनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी, चाहे कितने भी रोड़े इनके रास्तों में आए, चाहे इनको कितनी भी रिजेक्शंस क्यों ना मिली हो। जिंदगी का मैदान उबड़ खाबड़ है, गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, कभी हम गोल कर देते हैं तो कभी हम गलत साइड दौड़ जाते हैं। जिंदगी में गिरना पड़ता है, ठोकर लगती है, पर जमीन पर पड़े रहने का फायदा क्या? उठो, धूल झाड़ो और अपने अगले गोल की तरफ दौड़ लगाओ। हार को सीढ़ी बनाओ और जब भी कोई गलती हो तो खुद से कहना है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सुधरूंगा और मैं जीतूंगा। यही था इस कहानी का असली सबक। यह कहानी माइंडसेट बुक में पढ़ने को मिला, आप भी यह बुक जरूर पढ़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा।